होशंगाबाद की अनाज मंडियों में इस समय गेहूं की फसल की आवक जोरों पर है, लेकिन दरअसल आवक के मुकाबले फसल का उठान बहुत ही धीमा चल रहा है। इसके चलते मंडियों में गेहूं की फसल के अंबार लग चुके हैं और वहां पर तिल धरने की जगह भी शेष नहीं है। किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाया गया बहुत सारा गेहूं खुले आसमान तले भी पड़ा है। ऊपर से हर रोज बदलते मौसम के मिजाज से किसान और व्यापारी दोनों ही चिंतित है। इस संबंध में आढ़तियों ने सरकार से मांग की है कि शहर की मुख्य अनाज मंडी में फसल का उठान तेज किया जाए, और यदि किसी वजह से उठान में तेजी नहीं आ पाती है तो मार्केट कमेटी द्वारा हर रोज फोन करके बुलाए जाने वाले किसानों को अगले कम से कम 2-3 दिनों के लिए रोक दिया जाए, ताकि इस दौरान मंडी में पहले से बिक्री के लिए आई हुई फसल का उठान हो जाए और मंडी में फसल को रखने की जगह भी बन जाए। इस संबंध में आढ़ती एसोसिएशन की ओर से मार्केट कमेटी के सचिव को लिखित में पत्र भी दिया गया है। आढ़तियों ने आरोप लगाया कि गेहूं की फसल की उठान कार्य में लगे कुछ ट्रक मालिक और उनके ड्राइवर आढ़तियों से फसल उठाने के नाम पर 3 रुपये प्रति बैग सुविधा शुल्क भी मांग रहे हैं, और जो आढ़ती उन्हें सुविधा शुल्क नहीं देते हैं वे उस आढ़ती की फसल को उठाने में देरी भी करते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हमने अनाज मंडी में दौरा किया और कुछ लोगों से उनकी राय जानी। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। हमारे जो यहाँ मंडी के अंदर जो लिफ्टिंग है ना, ये बहुत ही कम है। लिफ्टिंग की वजह से हम बे काम करना पड़ता है, छपरों के नीचे जगह नहीं है माल डालने के लिए। लेबर की आगे भी परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेबर धूप में काम करती नहीं है, इसलिए थोड़ा ये गट्टे रहना, छप्पर खाली होता रहेगा तो हम काम करने के लिए सारे के सारे खुश हैं मजदूर। समस्या सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं हो रही है, और लिफ्टिंग हो रही है तो आगे खाली नहीं हो रहा। ये कृपा करके कर दे मार्केट कमेटी या कोई भी कर दे प्रशासन, तो हमारा काम बढ़िया चलता रहेगा। कणक हम अच्छी तरह से एक एक दाना तोल देंगे किसान का। जहाँ इलाहाबाद मंडी में गेहूं की आवक है वो पिछले सालों की बजाय बहुत ही कम चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार मार्केट कमेटी एक दिन में 100 किसानों को बुलाती है, परंतु उसके बावजूद भी जो लिफ्टिंग का कार्य है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसका जो कारण है वो एक तो ये कारण है कि जो गेहूं का जो उतरान का कार्य है वो एक ही गोदाम में हो रहा है। यदि हैप्पड़ और अन्य एजेंसियाँ हैं वो अपने खुद के गोदाम है वो खोल दे तो कुछ लिफ्टिंग में तेज़ी आ सकती है। और आज के मौके के हालात ये हैं कि कोई भी व्यापारी भाई यदि अपनी दुकान से माल लिफ्ट करवाना चाहता है तो ट्रक वाले ड्राइवर 3 रुपये के पर गट्टे के हिसाब से रिश्वत के रूप में पैसे ले रहे हैं, और आढ़तियों की मजबूरी है क्योंकि स्पेस नहीं है। स्पेस का जो निश्चित सिद्धांत जो मार्केट कमेटी ने निर्धारित किया है, उसके अलावा कई दूसरे स्थानों पर जो व्यापारी है गेहूं जो है वो किसान का गिरवा नहीं सकते, और यहाँ मंडी में जो है वो जगह नहीं बची हुई है। तो मैं प्रशासन को इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और तुरंत ही इस लिफ्टिंग के कार्य को ठेकेदारों को कह के तुरंत इस कार्य को जल्दी से जल्दी स्पीड से करवाया जाए, ताकि आने वाले किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था ना। इलाहाबाद अनाज मंडी में ये NGM 2 सेक्टर है जो मंडी खचा खच भर चुकी है। लिफ्टिंग का काम किलम है जो बिल्कुल नाम बराबर है, क्योंकि आगे किलम नीमला किलम डिपो के अंदर किलम अनलोडिंग की लेबर है ही नहीं। प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद किलम लेबर कंट्रैक्टर का किलम हमने कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो हम ये चाहते हैं भी आगे अनलोडिंग होती नहीं, और ये कमेटी वाले रोजाना किलम हमने जमदारों को बुला लेती है, जबकि अनाज मंडी के अंदर किलम हमने सड़कों पर किलम आ गए, तो ये सोशल डिस्टेंस कहाँ रहेगा। एक तरफ कहते हैं सोशल डिस्टेंस रखो, एक तरफ किलम धड़ाधड़ जमदारों को बुला रहे। तो हमने किलम SDM साहब को भी कहा है और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को भी कहा है कि सोमवार और मंगलवार की मैपिंग बंद करो, किसानों को मत बुलाओ। तो हमारी ये कि लिफ्टिंग हो जाए, तो इतने में 2 दिनों में कुछ आभारी किलम है कि मंडी की लिफ्टिंग भी हो जाए। दूसरी बात, जो 12% मॉइस्चर की किलम है ना खरीद हुई है, वो अब धूप लगने के बाद में ये 10% मॉइस्चर किलम हो गया है। ये 2 किलो पर किलम क्विंटल का किलम हमें 8 नुकसान हो रहे हैं। इधर किलम जो लोकल ट्रक है उन्होंने 2-3 रुपये किलम जबरदस्ती किलम है उठान के पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो हम आते तो बगैर मतलब पिस रहे, जबकि किलम प्रशासन के पास अगर लेबर का प्रबंध नहीं है तो ये मैपिंग का तो किलम हमें बंद कर सकते हैं। हमने किलम एसोसिएशन की तरफ से मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को लिख के भी दिए। उधर सरकार ये कह रही है कि 72 घंटों के अंदर किलम जमदारों को पेमेंट हो, जबकि 20 तारीख से लेकर 2 मई होगी, 14 दिन हो गए, किलम अभी तक 5 पैसा नहीं आया।
तो हम क्रम जमींदार को कहाँ पैसे दें। तो मेरा क्रम आपके माध्यम से सरकार से क्रम ये कहना चाहूँगा कि पेमेंट का भी इंतजाम किया जाए, और ये क्रम है हम दो दिन सोमवार और मंगलवार किसानों को न बुलाया जाए। हमारे कहने से जमींदार नहीं रुकते, ये रात को मैसेज करते हैं भी 12 बजे 1 बजे भी आओ अपना माल ले आओ। तो हमारा क्रम यही रिक्वेस्ट है भी सोमवार और मंगलवार मतलब है मैपिंग ना करें, किसानों को न बुलाए। इतने में दो दिनों में ये कुछ क्रम माल उठेगा तो जगह बनेगी। जब ये सड़कों पर आ जाए, आधी आ गई मंडी सड़कों पर, सारी मंडी क्रम सड़क पर आ जाएगी, फिर आड़तियों के खिलाफ फिर कार्रवाई करेगा प्रशासन। ये काम तो प्रशासन का भी, अगर जगह है तो क्रम बुलाओ, जगह नहीं है तो क्यों बुला रहे। हमारे तो वैसे मुख्यतः समस्या मंडी के अंदर है, जो हमारी मुख्य मंडी है न्यू ग्रेन मार्केट अलनाबाद और अतिरिक्त मंडी अलनाबाद, वहाँ पर पूरा गलट हो चुका है और मंडी भर चुकी है। एसोसिएशन ने भी मेरे सामने समस्या रखी है और उनका समस्या रखना भी जायज़ है। तो हमने जो एफर्ट एजेंसी है नीमला के अंदर जो FCA का जो पॉइंट है, वहाँ पर एक्चुअल में जो है लेबर की कमी है और हम पिछले एक हफ्ते से उनके पीछे पड़े हुए हैं। लगातार उनको कह रहे हैं, लेटर भी लिख रहे हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रह रही है। और आज सुबह उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि हम लेबर बढ़ा देंगे और जो पॉइंट है उनको बढ़ाएंगे। तो अच्छा है, अगर पॉइंट बढ़ जाए तो हमारी लिफ्टिंग थोड़ा जोर पकड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि क्या है कि फ्रेश अराइवल है जो आएगी किसानों की, उसके लिए स्पेस नहीं है मंडी के अंदर, पूरी मंडी भर चुकी है। इवन सड़कों पर उतर रहा है और हम राड़ती हूँ कह रहे भी सड़क पर मत डालें। तो इसके लिए मैंने उपायुक्त महोदय को भी अवगत करवा दिया है अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले कि मेरी मंडी पूरी भर चुकी है, यहाँ पर फ्रेश अराइवल के लिए जगह नहीं है। तो मेरे को दो दिन सोमवार मंगलवार तक है ना, ये तो परचेज स्थगित करने के लिए मेरे को आपको सूचित करता हूँ। तो उन्होंने साहब ने कहा कि तुम अपना सिस्टम देख लो अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से आप अपनी परचेज करो। तो फिर फाइनल डिसीजन क्या रहेगा इसमें? दो दिन हम शेड्यूलिंग नहीं करेंगे और मौका देख लेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर अपना लिफ्टिंग हो जाता है तो हम शेड्यूल कर देंगे। सर, एक शिकायत आ रही है कि जो लिफ्टिंग का ठेकेदार है वो बैग उठाने के नाम पर 3 रुपये प्रति बैग के हिसाब से चार्ज कर रहा है, ये मामला आपके संज्ञान में है? देखो, इस तरह की शिकायत हमारे लिखित में तो कोई आई नहीं है। अगर रिटर्न में कोई शिकायत आती है तो हम उस पर जांच करवाएंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे और जो संबंधित है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने अमूल्य कॉमेंट भी कीजिए। तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।